इंडियन प्रीमियर लीग में लखनऊ सुपर जॉयंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच लखनऊ के मैदान पर मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में आरसीबी ने 18 रन से जीत हासिल कर पॉइंट टेबल में पांचवा स्थान हासिल कर लिया है। इस मैच में लखनऊ की पिच पर बल्लेबाजी करना आसान नहीं था। लखनऊ की टीम मात्र 108 रन पर ही सिमट कर रह गई। लेकिन आपको बता दें कि इस मैच से ज्यादा चर्चा उस मैच के बाद हुए हंगामे पर हो रही है, जिसमें कप्तान विराट कोहली की लड़ाई जी हां मेंटोर गौतम गंभीर से देखने को मिली। गौतम गंभीर और विराट कोहली मैदान पर आग बबूला हुए एक दूसरे पर हाथापाई करते हुए भी नजर आए। बीच बचाव करके इन दोनों को अलग किया गया। लेकिन हम आपको बता दें कि ये कहीं ना कहीं मामला अब और भी ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि मैच के बाद, लड़ाई के बाद विराट कोहली ने अब एक बहुत बड़ा बयान दिया है। विराट ने फिर कुछ ऐसा कहा कि देखकर सुनकर हर कोई हैरान रह गया। विराट कोहली का ये बयान अब आपको भी हैरानी में डालेगा। विराट कोहली ने सीधे तौर पर टारगेट करते हुए गौतम गंभीर पर कुछ ऐसा कहा कि देखकर सुनकर हर कोई हैरान है। चलिए आइए आपको भी बताते हैं आखिर क्या है पूरा मामला और क्या कहा विराट कोहली ने। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी हैं इंडियन टीम के फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, और इस टॉपिक के बारे में आपकी जो कुछ भी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो अब ये जानने से पहले कि विराट कोहली ने क्या कहा है, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं विराट और गौतम गंभीर के बीच ये गर्मा गर्मी हुई क्यों थी। दरअसल ये वाक्या शुरू हुआ था पिछला मुकाबला, जहां लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने आरसीबी कोशी के घरेलू मैदान पर हराया और गौतम गंभीर ने जो सेलिब्रेशन दिया वो अग्रेसिव था। और गौतम गंभीर ने जब वो सेलिब्रेशन किया तो फिर विराट को खटक गया। अब आरसीबी की जीत हुई तो यहां पर वो हर एक उस सेलिब्रेशन का जवाब दे रहे थे और ये गौतम गंभीर को खटक गया था। इन दोनों के बीच में तो गर्मा गर्मी वहीं से शुरू हो गई जब विराट कोहली वो सेलिब्रेशन कर रहे थे साइलेंस वाला। यहीं से वो सारी फसाद की जड़ शुरू हो जाती है और इसके बाद तो इन दोनों को लड़ने का बहाना मिल गया नवीन उलक के द्वारा, क्योंकि नवीन उलक और विराट कोहली का आपसी विवाद हो गया बीच मैदान पर और एम्पायर को बीच बचाव करना पड़ा, अमित मिश्रा को बीच बचाव करना पड़ा। लेकिन मैच के बाद इन दोनों की एक बार फिर गर्मा गर्मी हुई और काफी हद तक वो गर्मा गर्मी आगे भी बढ़ी, लेकिन विराट ने वहां थोड़ी मैच्योरिटी दिखाते हुए नवीन हलक से दूरी बना ली थी। लेकिन उसके बाद काइल मेयर्स विराट कोहली से बात करने आते हैं। ये बात गौतम गंभीर को पसंद नहीं आती है और वो अपने खिलाड़ी को विराट से बात भी नहीं करने दे रहे, वहां से हाथ पकड़कर उन्हें दूर कर देते हैं। अब भला ये विराट कैसे सहन कर सकते हैं और कोई भी खिलाड़ी किसी भी दूसरे खिलाड़ी को बातचीत करने से कैसे मना कर सकता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल उठा। गौतम गंभीर के इसी व्यवहार पर विराट आग बबूला हो गए थे और इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा गर्मा गर्मी हुई और उसके बाद ये गौतम गंभीर विराट के पास दौड़ दौड़ कर जाने लगे, मानो उनके ऊपर वो हाथ उठाने वाले हैं। खैर ये तो बाकी खिलाड़ियों ने बीच बचाव कर इन दोनों को अलग किया, वरना मामला और भी आगे बढ़ सकता था। गौतम गंभीर को अग्रेसिव देखा गया, लेकिन अब विराट कोहली ने मैच के बाद कुछ ऐसा कह दिया है कि जिसे सुनकर गौतम गंभीर और भी ज्यादा गंभीर होने वाले हैं। विराट ने कुछ ऐसा कहा कि सीधे तौर पर उन्होंने उस सेलिब्रेशन का जवाब दिया है। विराट ये कहना चाहते हैं कि जब आप पहले सेलिब्रेशन करते हैं और आप उस तरह का एग्रेशन दिखाते हैं, आप तभी कीजिए तब आप वापस उसे सहन कर सके। जी हां, विराट कोहली का ड्रेसिंग रूम का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें विराट सीधे तौर पर यही कह रहे हैं, अगर आप किसी को कुछ बोलते हैं तो सामने से भी आपको वापस मिल सकता है, नहीं तो किसी को कुछ बोलना भी नहीं चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप सेलिब्रेट कर रहे थे उसका जवाब तो मिलना था, अगर आप उसे सहन नहीं कर सकते तो आप उस तरह का सेलिब्रेशन दिखाइए ही मत। सीधे तौर पर उन्होंने गौतम गंभीर को फटकार लगाई है और ये विराट ने सही कहा है, इसमें कोई गलत नहीं है मेरी राय में। गौतम गंभीर अगर सहन नहीं कर सकते तो उस तरह का मेंटोर होकर के, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होकर के उस तरह का एग्रेशन मत दिखाइए। आप अगर टीम के मेंटोर होकर किसी भी खिलाड़ी से इस तरह से मिसबिहेव करेंगे, दूसरे खिलाड़ी को बातचीत करने से मना करेंगे, तो फिर विराट है सामने, वो सहन नहीं करने वाले हैं। और ये तो साफ तौर पर है कि जब आपको सहन नहीं कर सकते तो आपको दूसरों को उकसाना भी नहीं चाहिए। अब हो सकता है ये आपके लिए गलत हो या सही हो, लेकिन विराट का ये बयान है। लेकिन इन सब के बीच में आपकी क्या राय है और आप क्या सोचते हैं कमेंट में बताएं।